Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 9th maths chapter factorization exercise 5p question number 10 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज करना है 2a plus b होल ऑफ स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3b माइनस 4. ये आपका क्वेश्चन है. इससे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं. आपका क्वेश्चन है 2a plus b होल ऑफ स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3b माइनस 4. अभी तो इसे हम ऐसे फैक्टराइज नहीं करते कर सकते हैं, ठीक है. पहले इसे हम अरेंज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर है आपके पास. ये देखिए यहाँ पे a और b है, यहाँ पे a b था, तो इसमें से 3 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन. विद माइनस हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे. तो 3 टू ज़ा 6 होता है और माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर के जो फंक्शन इसके पास माइनस था ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ठीक है 3 टू ज़ा 6 टू ए यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग है. माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बी माइनस में 4 है, ठीक है. अभी देखिए आपके पास एक अभी इक्वेशन है, ठीक है. हम क्या करेंगे, इसे भी लेट कर लेते हैं. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है. अभी आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि आपको फैक्टराइज करने में आसान हो जाए, ठीक है. तो लेट 2a प्लस बी इक्वल्स टू हम y और x आप जो भी लेट करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है. क्या लेट करते हैं, मैं यहाँ पे x लेट कर लेता हूँ, ठीक है. नाउ इसकी इस वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुटिंग इन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर में हम पुट करेंगे. पुट कर दीजिए, आपको देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी के रिप्लेस में हम x पुट करेंगे, पावर 2 है माइनस 3. 2a प्लस बी के प्लेस पे हम x को पुट करेंगे, माइनस में आपके पास है 4. अभी देखिए आपके पास एक प्रॉपर आपके पास इक्वेशन आ गई है जिसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है. तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है. हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, या इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे. उस समय ए और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर का आपका फैक्टर है वो ए होता है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या है, यहाँ पे ए इक्वल्स टू देख लीजिए आपका क्या है, 1. बी इक्वल्स टू माइनस 3 है. सी इक्वल्स टू माइनस 4 है, ठीक है. अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से इसे कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 3 एंड सी इक्वल्स टू माइनस 4 है. हमें इसे मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना है. तो हम सबसे पहले जो भी मैंने आपको नियम बताया था या रूल बताए थे, ए एंड सी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए इंटू सी हम करेंगे. तो कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 इंटू माइनस 4, माइनस नहीं लेना है, ठीक है. यहाँ पे विदाउट साइन लेना है, तो ये 4 है, ए इंटू यानी कि 1 इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज 4. अभी हमें 4 को ऐसे मतलब अरेंज करना है या फैक्टर करना है या ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है. यहाँ पे हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे 3 मेक करना है, ठीक है. तो देखिए 4 वन ज़ा 4 होता है, यानी कि 4 एंड 1, ठीक है. अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा 3, ठीक है. इसको हम 3 के रिप्लेस पे पुट कर देंगे. तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू में आपका एक्स भी है, माइनस में 4. यहाँ तक क्लियर है आप सभी को. अभी देखिए क्या करेंगे, माइनस को एंटर करेंगे विद एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स हो जाए, माइनस माइनस आपका प्लस इंटू एक्स वन सा एक्स हो जाएगा, ठीक है. माइनस में आपके पास क्या है, 4 है, ठीक है. अभी देखिए इन दोनों टर्म्स से आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो x को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस, जब ये दो टर्म में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा 1 ऑलवेज क्या होता है, कॉमन होता है. 1 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है. और देखिए x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 एंड यहाँ से x एंड प्लस 1 आपके पास ये फैक्टर आ गया. बट अभी ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि हमने x तो लेट किया था ना, x जो भी लेट किया था हम उस वैल्यू को अभी पुट कर देंगे, ठीक है. तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए. देखिए x के रिप्लेस में हम 2a प्लस बी पुट करेंगे, 2a प्लस
बी माइनस में है आपके पास फोर, दैट्स योर फर्स्ट ब्रैकेट, एंड एक्स के रिप्लेस पे टू ए प्लस बी माइनस फोर, सॉरी यहाँ पे वन है नॉट फोर, माइनस वन, ठीक है। ये आपका सेकेंड, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।